खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। राजस्थान बजट सत्र में रूपवासना सरकारी महाविद्यालय की घोषणा हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगभग पिछले 5 वर्षों से इसकी मांग कर रहा था। कई बार प्रशासन को ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल तक करनी पड़ी। जिले के सबसे बड़े एवं पुराने उपखंड रूपवास में महाविद्यालय की कमी खलती थी। छात्रों को 40 किलोमीटर दूर भरतपुर के लिए जाना पड़ता था। महाविद्यालय की घोषणा के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पूरी होने पर राज्य सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया एवं महादेव चौक पर आतिशबाजी कर एवं मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने जिला सह संयोजक कृष्णा बात्रा का साफा बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर कोशू पहलवान संतोष सिकरवार, लाखन सिंह योगी, राम कुमार योगी, आकाश चौहान, सागर छोटू, अंकुर सिंह, प्रमोद सिंह, गगन भोला, सौरव परमार, मनीष मित्तल, प्रदीप, संजय जादौन, रवि परमार, मॉनिटर शुभम शर्मा, विकास परमार, सुंदर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य सरकार के द्वारा कल बजट सत्र में जो रूपवास की जनता व छात्र छात्राओं को एक उपहार दिया है, राज्य के महाविद्यालय खोलकर, उसके लिए हम सरकार का हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और पिछले कई वर्षों से रूपवास के कई संगठन व विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार 5-6 साल से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसे उग्र आंदोलन किए जा रहे थे, उन सभी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए जो घोषणा की है उसके लिए हार्दिक एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। स्थानीय विधायक व माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, और आगे भी हर साल छात्रों के हितों के लिए हम विद्यार्थी परिषद और हम सदा रूपवास के सभी संगठन आपके बीच उपस्थित रहेंगे व छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।